सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। केपटाउन टेस्ट में हुए बॉल टेम्परिंग मामले के मद्देनजर अगर स्टीव स्मिथ कप्तानी गंवाते हैं तो अजिंक्य रहाणे उनके जगह आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हो सकते हैं। आईसीसी ने स्मिथ पर एक मैच का निलंबन और मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया है। बीसीसीआई के खेमे का मानना है कि अगर स्मिथ खुद कप्तानी छोड़ते हैं तो रॉयल्स उनकी जगह रहाणे को कप्तान बना सकता है। बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है अब गेंद राजस्थान रॉयल्स के पाले में है। स्मिथ ने युवाओं को गेंद से छेड़खानी की अनुमति देकर बेईमानी की है, उसने खराब उदाहरण पेश किया है, लेकिन रॉयल्स टीम का वो अहम अंग है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान इस बार किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहेगा। स्मिथ अगर सिर्फ बतौर बल्लेबाज खेले तो कप्तानी किसी और को सौंपी जा सकती है। उधर राजस्थान रॉयल्स ने साफ तौर पर कहा है कि वो ऐसी कोई अनुचित कार्यवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे खेल की साख खराब हो। हालांकि उन्होंने कहा है कि गेंद से छेड़खानी के मामले में एक मैच का निलंबन झेल रहे स्टीव स्मिथ पर फैसला लेने के लिए वो बीसीसीआई के निर्देश का इंतजार करेंगे। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले यहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।